हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसटी किचन एंड इजी लाइफ। फ्रेंड्स, जब भी घर में कोई हरी सब्जी नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या बनाएं। हर किसी को इस परेशानी का सामना कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। तो जब भी आप ऐसी परेशानी में आएं तो इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस सब्जी को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो सभी के किचन में रहता ही है, क्योंकि इसे हम हर दिन यूज़ करते हैं, इसलिए ये हर किसी के किचन में मौजूद रहता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस सब्जी की रेसिपी। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और गैस पर रखेंगे 1 से 1.5 लीटर पानी गरम करने के लिए। तो जब तक पानी हमारा गरम हो रहा है तब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी गेहूं का आटा। तो यहाँ पे आप 1 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लेंगे। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। 1 चम्मच यहाँ पे दरदरा कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, 2 से 3 पिंच हींग डाल लेंगे और 1 पिंच यहाँ पे बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा डाल लेंगे, 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 से 5 चम्मच बिल्कुल ताजी दही। तो दही से ही हम इसका डो तैयार करेंगे। तो जितनी दही की ज़रूरत होगी उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ताजी दही का ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा दही डाल के हमें सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। डो को हमें ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है और ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है। और डो हमारा यहाँ पे एकदम चिकना तैयार हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 चम्मच दही में से थोड़ी सी दही पच भी गई है। और अब हम गुथे हुए आटे में से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो इससे पहले हमें हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के छोटी सी लोई तोड़ेंगे और अपने मनपसंद का कोई भी शेप बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लहसुन के शेप में बनाऊंगी इसे, और आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी शेप बना सकते हैं। आप गोल एकदम बॉल की तरह बना सकते हैं, या छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के डाल सकते हैं, या लंबे लंबे पीस में कट करके डाल सकते हैं। तो मैं लहसुन के शेप में बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक हमारा लहसुन के शेप में बन चुका है और यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा भी लहसुन के शेप में बना के तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से हम सारे आटे से लहसुन के शेप में बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे आटे को लहसुन का शेप दे दिया है और अब इसे हमें करना है स्टीम। तो यहाँ पे मैंने पानी गरम करने के लिए रखा था, पानी गरम हो गया है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सरसों का तेल और इसमें हमें डाल देना है आटे से बना हुआ लहसुन। फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम रखना है और सारे आटे के लहसुन को इसमें डाल देना है। आप चाहे तो आटे के इस लहसुन को तेल में भी फ्राई करके सब्जी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कम तेल का इस्तेमाल करूँगी, इसीलिए इसे मैं स्टीम करके फिर सब्जी बनाऊँगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे 4 लहसुन की कलियाँ डाल दूँगी और इसके साथ ही ये लहसुन भी पक जाएगा ताकि ग्रेवी में हमें इसे ज़्यादा ना पकाना पड़े। तो यहाँ पे देखिए इसे हमें मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। जब ये पक जाता है तो अपने आप ही ये सारा ऊपर आ जाएगा। तो इसे हमें 10-15 मिनट के लिए पकने देना है। तो जब तक यहाँ पे हमारा ये पक रहा है तब तक हम सब्जी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है और कटोरी में लेंगे 3 से 4 चम्मच बिल्कुल ताजी दही लेंगे और दही में ही हम मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और यहाँ पे लेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे दरदरा कुटा हुआ लहसुन लेंगे। और अब हमें मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसालों को मिक्स करने के बाद इसे खुला ना रखें, ढक के हमेशा मसालों को रखें ताकि इसका फ्लेवर इसमें ही एब्जॉर्ब होता रहे। तो मसाले को मिक्स करने के बाद ढक के ही रखना है। और यहाँ पे देखिए हमारा आटे का ये लहसुन अच्छे से पक गया है। यहाँ पे देखिए ये सारा ऊपर आ गया है, पकने के बाद ये ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा सारा आटे का लहसुन पक चुका है अच्छे से और अब इसे हमें निकाल लेना है। और अब हम आटे के इस लहसुन को एक प्लेट में निकाल लेंगे
और यहाँ पे मैंने सारा निकाल लिया है। और अब इसे हम साइड में रखेंगे और गैस का फ्लेम बंद करेंगे। और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और अब हमें कढ़ाई गरम करना है और इसमें डाल देना है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें हमें डाल देना है 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची खोल के डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 पिंच हींग डाल देंगे और 1 तेज़पत्ता डाल देना है। और जीरा का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, जीरा का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इतना ही हमें फ्राई करना है। तो जीरा का कलर चेंज हो गया है। 2 मीडियम साइज का प्याज है, इसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी हमें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। और अब इसमें हमें डाल देना है मसाले। तो दही में जो मसाले मैंने घोल के रखे थे उसे डाल देना है और कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी हम मसाले में डाल देंगे। और अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम मसाले को ढक के पकाएंगे जब तक कि दही का पानी सूख ना जाए, और बीच बीच में हम मसाले को चलाते रहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, दही का पानी सारा सूख चुका है। और अब हमें मसाले को खुले में ही लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक और फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले में से तेल अलग होने लगा है, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो वही पानी डालेंगे जिसमें हमने आटे के लहसुन को पकाया था। तो ग्रेवी जिस हिसाब से आपको रखना है उस हिसाब से पानी डाल लीजिए। और अब इसमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया। और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी स्टेज में हमें ग्रेवी में ये सारी चीज़ें डाल देना है। अब सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे ढक के हमें 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, ताकि आटे के जो लहसुन को मैंने बनाया है उसके अंदर मसालों का सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। 10 मिनट के बाद लीड हटाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत ही लाजवाब लग रही है सब्जी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है ये सब्जी। तो जब भी आपके घर कोई सब्जी ना हो तो इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। और अब हम इस स्टेज पर डालेंगे बिल्कुल फ्रेश हरी धनिया की पत्ती। अगर आपके पास धनिया की पत्ती नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल दिया है और अब इसे हमें सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम सब्जी को ढक के 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे, इससे कसूरी मेथी का सारा फ्लेवर सब्जी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक बार हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारी बहुत ही लाजवाब सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। आपके भी घर में कोई सब्जी ना हो तो इस सब्जी को बना सकते हैं। और अब हम सब्जी को सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं इसे तोड़ के आपको दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। एकदम सॉफ्ट और नरम ये बन के तैयार होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।